द टाइगर, पठान एंड ऑल दीस थिंग्स, यू नो, वॉर। दोस्तों, जवान मूवी को लेकर बॉबी देओल का रिएक्शन सामने आया है। जवान हर जगह ट्रेंड हो रही हैं और हाल ही में बॉबी देओल ने जवान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये फिल्म पठान और टाइगर 3 से भी बड़ी होगी। दोस्तों, फिलहाल जवान ने जो तबाही मचा रखी है, आप लोग लिख कर के रख लो हिंदी में, ये फिल्म सबके रिकॉर्ड तोड़ कर रख देगी। दोस्तों, जवान अगर पोस्टपोन हो जाएगी तो फिर आगे उसको काफी फिल्मों से टक्कर करनी पड़ेगी। दोस्तों, जवान के म्यूजिक देने वाले अनिरुद्ध ने बताया कि उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्मों में अपना बीजीएम दिया, उन सबसे अच्छा जवान का बीजीएम है। दोस्तों, अनिरुद्ध का ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका बीजीएम तो आपने टीजर में भी सुना ही होगा। दोस्तों, फिलहाल जवान को लेकर रूमर्स ये हैं कि इसको अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा, यानी कि इसके रिलीज डेट को आगे किया जाएगा, जिसको सुनकर काफी बुरा लगा, लेकिन फिल्म पर अभी काफी काम चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद अभी भी यही लगाती जा रही है कि 2 जून को ही जवान रिलीज हो, लेकिन फिलहाल जो खबरें चल रही हैं उनमें जवान की 2 नई डेट बताई जा रही हैं। दोस्तों, जब से जवान की क्लिप वायरल हुई है, इस फिल्म के सोशल मीडिया पर क्रेज में काफी तेजी आई है। साथ ही रिलीज से पहले ही हजारों लोग इसको बुक माई शो पर रेटिंग दे चुके हैं। दोस्तों, जवान को रिलीज से पहले ही 50,000 लोग इसको लाइक कर चुके हैं, जो काफी बड़ा रिकॉर्ड है। साथ ही साउथ से लेकर बॉलीवुड तक आज इस फिल्म की चर्चा हो रही है। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक जहां बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म 300 करोड़ की लिस्ट में भी नहीं आती थी, लेकिन पठान के बाद सब कुछ बदल गया है। फिलहाल शाहरुख ही बॉलीवुड के ऐसे स्टार हैं जिनकी फिल्म हिंदी में 500 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वही वर्ल्ड वाइड में किंग खान बॉलीवुड में दूसरे नंबर पर आते हैं, इससे पहले आमिर खान की फिल्म दंगल आती है। दोस्तों, जवान की आज हाइप देखकर सब लोग हैरान रह गए हैं। दोस्तों, जवान फिल्म का क्रेज एक बहुत बड़े लेवल पर जाता नजर आ रहा है और साउथ से लेकर बॉलीवुड तक लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, जवान का जो क्लिप था वो एक एक्शन सीन है और साउथ जैसा लुक उसमें हमें देखने को मिल रहा है।